वेलकम बैक फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 41,520 2015 मेरिट भर्ती, 9,007 बाहर कैंडिडेट। कल आपकी फाइनल सुनवाई होने वाली है, पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं, तो लाइन पे बने रहना, हर चीज़ आपको बताने वाले हैं। बहुत सारी चीज़, बहुत जानकारी इसमें मिलने वाली, तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। जो नए बच्चे होंगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं करते हैं। आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और बच्चे देखते ही परेशान हो गए होंगे। यहाँ पे देखो आपको रिट नंबर दिख रहा है 24, यहाँ पे देखो 24 यानी 24 मार्च को, यानी कल आपकी फाइनल सुनवाई होने वाली है डबल बेंच की। स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट आपको दिख रही होगी। उसके बाद यहाँ पे देखो 24 तारीख दिख रही है और चेककोड नंबर 40 और सीरियल नंबर आपको 69 दिख रहा होगा। बहुत से बच्चे इसको देखे परेशान हो गए होंगे कि सर 69 नंबर पे केस की सुनवाई होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कहने का मतलब आपको ये नंबर जो दिख रहा है, नंबर आपको जो दिख रहा है 69, ये आपको बहुत बड़ा नंबर दिख रहा होगा कि सर ये 69 नंबर दिख रहा है, ये तो मुश्किल है बहुत ही सुनवाई, कि कल 24 तारीख को एक केस की सुनवाई हो पाए। जाहिर सी बात है आपके मन में शंका उठ रहा होगा, इसी का समाधान करने आए हैं और आपको स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं न्यू लिस्ट आपको दिखाने वाले हैं। जो आपका 69 दिख रहा है, जाहिर सी बात है 69 बहुत लंबा है, 69 बहुत लंबा है, क्योंकि 69 किसी भी हालत में सुनवाई होगी नहीं, टल जाएगी। जाहिर सी बात है भैया ये सुनवाई होगी जाके, कब होगी? होली के बाद होगी, तो लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन रुकिए, अब आपको ब्रेकिंग अपडेट देने वाले हैं, तो लाइन पे बने रहना। अपडेट देने ऑर्डर रिजर्व वाले आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ऑर्डर रिजर्व वाले, बहुत से बच्चे बोल रहे हैं सर जनरल ऑर्डर आएगा या फिर याची ऑर्डर आएगा, तो भैया याद रखना जनरल ऑर्डर आएगा, सभी को नौकरी मिलेगी। कहने का मतलब जो 5,292 सीट है, 100-200 याचियों को नहीं मिलेगी, 1,000 याचियों को नहीं मिलेगी। टोटल जितनी सीटें खाली हैं इसमें 5,292, 41,000 पुलिस वाले जितने कैंडिडेट हैं सबको वर्दी मिलेगी। और जो 3528 जो सीट खाली है, 2015 मेरिट भर्ती वाले बच्चे जितने हैं सबकी सब सीट भरी जाएगी, याद रखना। और 9,000 में जो 1959 बच्चे खाली हैं, इनकी जो सीट, जो 9,000 वाले जो बच्चे हैं, जो 1959 सीट है इनकी भी भरी जाएगी। तो ऑन द डिपेंड 41,520 2015 मेरिट भर्ती। तो भैया उसका फाइनल जो है डिसीजन आने वाला है, बहुत ही जल्द आएगा। गौर से प्रे करें और रिजल्ट जो है अपने डिसीजन अपने पक्ष में आए और सबकी सब सीट भरी जाए, सभी बच्चों की जॉब लग जाए, ऐसी कामना करते हैं। सबकी सब जॉब लगेगी, याद रखना जीत भी पक्की होगी, 100% हम लोग जीतेंगे, बिल्कुल भी हारेंगे नहीं, जीतेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया 2.5 साल तक, ठीक है ना। तो उसको हम लोग आराम से जीतेंगे। फैसला जो आएगा देख लेना, ज़बरदस्त वकील आपको पता ही है अशोक खरे जी, जो कि ताबड़तोड़ जबरदस्त एकदम ताबड़तोड़ वाले वकील हैं, वहाँ पे सुनवाई होती है तो उनके पक्ष में फैसला आता है। जय सिवादे भैया, ये फैसला अपने पक्ष में आने वाला, थोड़ा सा धीरा बनाए रखो, जीत अपनी होगी, 100% जीतेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये तो सारी बात हुई वैकेंट सीट के लेके। अब देखो, अब जो केस जो लड़ा जा रहा है, इसकी जो सुनवाई होने वाली है 18,520 2019 की, देखो ये जो सुनवाई होने वाली है नियम को लेके है, नियमावली चेंज हो जाएगी, जो करी फरवरी वाली रोक उस पर लगी है, लेकिन फाइनली नियमावली अगर चेंज हो जाएगी तो भैया आने वाले जितने सारे बच्चे हैं इन फ्यूचर कभी जब वैकेंसी होती रहेगी साल दर साल, जब वहाँ पे सीट वैकेंट रह जाएगी तो उसको कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट वैकेंसी में नहीं जोड़ा जाएगा, उसको इसी में फाइनल कर लिया जाएगा, जितनी सारी सीट रहेगी। कहने का मतलब ये है सब की सब सीट भर ली जाएगी, इसके लिए है लड़ा जा रहा है, जो कि कल 24 तारीख को फाइनल सुनवाई होने वाली है। स्क्रीन पे 69 नंबर दिख रहा होगा, लेकिन ये 69 नंबर अभी देखें अपडेट हुआ है, ये हट चुका है सारी चीज़ें, अब वहाँ पे लाइकली लिखा हुआ है, लाइकली यहाँ पे UPP जो लीगल टीम है उस पर कुछ बात की होगी। ये जो 69 नंबर अभी दिख रहा है, अभी आप लोग तुरंत जाके इसको सर्च करोगे तुरंत 18,592 स्टेटस चेक करोगे तो भैया लाइकली उसमें लिख के आ रहा है। कहने मतलब ये है 69 नंबर तो जाहिर सी बात है, और UPP लीगल टीम को भी पता है 69 नंबर पे सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला आना है इसका, बहुत ज़्यादा इसमें बातें होंगी, तो 69 तक पहुँचना मतलब शाम हो जाएगी, शाम से सुबह भी हो जाएगी तब भी नहीं सुनवाई हो सकती। कहने का मतलब जो 69 सीरियल नंबर दिख रहा है कैंसिल हो गया है, डेट अभी 24 दिखा रहा है, डेट अभी 24 है, इसको कम कराया जा रहा है, कम कराने की कोशिश की जा रही है। तो भैया अभी हो सके रात तक अपडेट हो जाए, आप सबको खुशखबरी मिल सकती है। तो भैया 69 अभी नहीं दिखेगा, हम आपको दिखा रहे हैं, तुरंत देख लो। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अभी हम तुरंत स्क्रीनशॉट लिए हैं, देखो आपको जूम करके दिखाते हैं अच्छे से, आपको जूम करके यहाँ पे सबसे पहले जूम करके देख लीजिएगा। अभी स्क्रीनशॉट लिया हूँ मैं, अपडेट हुआ है, यहाँ पे देखिए 6:52 पे प्लीज़ जाके अभी आप लोग चेक कर सकते हो, ये 69 नंबर जो है हट चुका है वहाँ से। अब यहाँ पे डेट अभी 24 दिखा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डेट अभी 24 आपको दिखा रहा है, देखो यहाँ पे आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, 24 तारीख आपको दिख रहा है, इसको कुछ सीरियल नंबर 69 है, कोर्ट नंबर 40 में इसकी सुनवाई 69 तो किसी भी हालत में हो नहीं सकती, लेकिन आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, हो सके शाम तक अभी रात तक अपडेट हो जाए, हो सके 1-2 नंबर या फिर टॉप 10 में ना जाए। तो भैया अगर आ जाएगी तो बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी होगी आप सबके लिए, एक जीत आराम से हो जाएगी अपने लोग की, उसके बाद 69 आती तो किसी भी हालत में नहीं होती, बाकी डेट मिल जाती। तो भाई जाहिर सी बात है लाइकली यहाँ पे देखो 24 तारीख है, कल हो सके रात तक अभी अपडेट हो जाए, जैसे अपडेट होगा तुरंत आपको वीडियो लेके आएंगे, तुरंत आपको बताएंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना,
आपके लिए खुशखबरी है कि 69 नंबर जो है हट चुका है, अब यहाँ सीरियल नंबर मिलने वाला है, तो गौर से प्रे करो बहुत कम सीरियल नंबर मिले, यानी टॉप 10 के अंदर मिले तो हम लोग केस आराम से जीत जाएंगे। बाकी जो वैकेंट वाली सीट है उसको तो हम लोग आसानी से जीतेंगे, नियम को भी बदलवाएंगे, सीट भी भरवाएंगे, दोनों सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि 2.5 साल से बच्चे लंबा इंतजार कर रहे हैं, इसका फल भी मिलेगा, मीठा फल मिलेगा। बस थोड़ा सा वेट करो, जीत हमारी तय होगी, हम लोग आराम से जीतेंगे। चलिए यही अपडेट देना था, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बता देना। यही अपडेट देनी थी, बच्चे परेशान हो रहे थे, आपको दिख रहा होगा, अभी तुरंत हो सके अपडेट हो जाए तो बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए हो सकती है।